मुंबई में बहुत बड़ा फैशन शो हुआ जिसमें डिजाइनर जाबिर शेख का जलवा बिखरते हुए उनका मॉडल एक्टर ने महफिल को लूट लिया। बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर पूरा के पूरे उनके तालियां बजाते रहा। जिस तरह की आदित्य दुरानी, इजाज खान, अदर बहुत सारे एक्टर आए थे जिन्होंने जलवा बिखारा रैंप पे चल करके। अब बाकी क्या क्या हुआ आपको खुद बता दो। लोगों का प्यार को धक्का नहीं सकते, प्यार को। आदिल भाई, सबसे पहले बड़ी बात है कि आप जावेद भाई के फैशन शो में आए हो, ढोला क्या बोलना चाहते हैं आप? आउटफिट भी पहना हूँ जावेद भाई का, जावेद भाई के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जावेद भाई इज़ अ वेरी गुड डिजाइनर। उनका आज फैशन शो था, उनका रैंप वॉक था, मैं आया हूँ। आई हैव आल्सो मैंने रैंप वॉक किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ग्लैमर ग्लोरी अवार्ड का सेकेंड सीजन है, मैं चाहता हूँ इनके बहुत सारे सीजन आए और मैं सारे अवार्डीज को दिल से कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। और इसमें एक और था, इस अवार्ड में बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा, बैंगलोर के लोग आके कन्नड़ा बात कर रहे थे और पूरे वॉक कर रहे थे। आई रियली लाइक इट कि इतनी मेहनत करके बैंगलोर से भी लोग महाराष्ट्र में आ रहे हैं, अपने महाराष्ट्र में आके भी लोग फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भाग ले रहे हैं। कर्नाटक का फीलिंग लगा आपको यहाँ फैशन शो में, ये आप बोलना चाहते हैं? जब कपड़े पहन के वॉक करते थे और कन्नड़ा में बोल रहे थे तो डेफिनेटली कर्नाटक का फीलिंग तो आएगा ही आएगा, बिकॉज आई वांटेड टू बी इन कर्नाटक। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, फैशन शो वॉज वेरी नाइस और बहुत सक्सेसफुल जाए। इनके बहुत सारे सीजन हैं, मैं बहुत दिल से मानता हूँ, इन लोगों को कंग्रेचुलेशन देता हूँ कि इनके बहुत सारे। ये तो फैशन शो लोग आप तो बहुत कम रैंप पे उतरते हो लगते हैं, लेकिन ये रैंप पे उतरा क्या खास था? आप रैंप पे आप उतरे आज? सॉरी, रैंप पे बहुत कम उतरते हो आप, बहुत कम उतरते हो, लेकिन आप रैंप पे यहाँ उतरे हो, क्या खास है स्पेशल? उतरना तो बहुत जरूरी था, बिकॉज मेरे फैशन डिजाइनर का है, जावेद भाई का है, मुझे वॉक करना ही था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बात करें राखी का बर्थडे का, कल आपने केक उक भी काटे, आपने क्या था माजरा, थोड़ा ऑडियंस जानना चाहता है, जो आपके फैंस आपको जानना चाहते हैं? केक हमने बिल्कुल कट नहीं किया, एक बेवफा का केक कट किया था। वो बेवफाई, उसकी बेवफाई के लिए बिल्कुल ये मत समझना कि राखी के बर्थडे के लिए हमने कुछ किया था, हमने बिल्कुल राखी के बर्थडे के लिए कुछ भी नहीं किया था, उसकी बेवफाई के लिए हमने किया था। लास्ट ईयर जो हमने उसकी वफाई के लिए केक कट किया था, इस साल उसको उसकी बेवफाई के लिए हमने केक कट किया है और हम चाहते हैं एक अच्छी नेक इंसान बन जाए अगले साल तक। वहाँ से दुबई से हुंकार भर रही है कि मैं आऊँगा, बहुत बड़ा लोगों को शौक दूंगा, वो क्या है आप? तो हर हमेशा जो हुंकार देती आती है वो है, ये मैसूर चलो, बैंगलोर चलो, बैंगलोर चलो, ये तो उसका कहना है। जैसे उसकी बायोपिक आ रही है, अगर उसकी किताब लिखना स्टार्ट हो जाए तो मुझे लगता है ग्लैमर ग्लोरी के 25 के जो सीजन चलेंगे तब तक उसके सीजन नहीं खत्म होंगे। बट एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हर, लेकिन जब से आप उनसे अलग हो तब से काम पे आपको ज्यादा ध्यान है, काम ज्यादा मिल रहा है आपको, जब से आपसे अलग हुआ? काम, ध्यान, फैशन शो, फैशन वॉक, यही करते रहेंगे, यही हमारा प्रोफाइल बनाता है, यही फैन बेस बनाता है। देखो फैशन शो में फैशन शो से निकलने के बाद एक घंटा लग जाता है, लोग आते हैं, प्यार करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बात करते हैं, यही तो है, यही तो प्यार कमाते हैं, यही तो चीजें करना है। दुख देख के, रो के, धो के कुछ नहीं मिलेगा, प्यार दो, प्यार दो, सिंपल रहो, अच्छे रहो। थैंक यू। आपका फैंस कुछ बोलना चाहते हैं? प्लीज गाइस, मेरा गाना आने वाला है बहुत जल्द, नया गाना आने वाला है, वेट करो, स्टे ट्यून, बहुत बड़ा गाना आने वाला है। प्लीज मुझे जैसे मेरे पुराने गाने को आपने प्यार दिया है, नए गाने को भी प्यार दो। कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, मैं हूं आपका आदिल खान। थैंक यू।